या आशिकुल मुस्तफा अबशर बिनैलिल मुना, या आशिकुल मुस्तफा अबशर बिनैलिल मुना, कद रक कसु सफा सफा असफा वा तब वफदुल हना, نور جمال بدا من وجه الشمس الهدى, نور جمال بدا من وجه الشمس الهدى, من وجه الشمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعريف الله کے لئے ہیں, مدحی تعریف کرتے ہیں اور سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़वजल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से. जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले आल पर, उनके सहाबा पर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जो भी हक मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं बहुत ही लाइट रखूंगी, हालांकि आज हम इंशाल्लाह जस्टू करने वाले हैं, और जस्टू में काफी अहकाम थे और बहुत ही टफ इसकी तफसीर है, बट आई वॉन्ट कीप इट वेरी लाइट जैसे पहले मैं बताई थी, एंड हल्के हल्के से जो है हम लेते हुए इसको निकलेंगे. अनकरीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से किस चीज ने फेर लिया इनको उनके किबले से, तो वो जो थे वो ऊपर, उसके कह दीजिए अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब. मैं किबले की तब्दीली जो बैतुल मक़द्दस से खाने काबा की तरफ हुई, तो उस पर बेवकूफ लोग जरूर ये कहेंगे कि किस चीज ने उनको किबले से फेर दिया, लेकिन अल्लाह ताला तो मगरिब और मशरिक दोनों में है. इट डजंट मैटर कि किबला जो है जिस तरफ हम रुख करके इबादत करते हैं वो चाहे खाने काबा की तरफ हो या बैतुल मक़द्दस की, इट डजंट मैटर, बिकॉज अल्लाह तो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के लिए है. वो हिदायत देता है जिसको वो चाहता है सीधे रास्ते की, तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है, और जिसको हिदायत मिल जाती है वो अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है और अल्लाह ताला को क्वेश्चन नहीं करता और इस तरह की बेतुके सवाल नहीं करता. और इसी तरह बनाया हमने तुमको एक उम्मत मुअतदिल या वुसअत. अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है, उम्मत मुहम्मद, यानी हम बहुत ब्लेस्ड है अल्लाह ताला की तरफ से. अल्लाह ताला ने हमको एक उम्मत वसत बनाया है. उम्मत वसत का मतलब होता है कि मिडल वाली उम्मत. इसमें दो मायने आते हैं, मॉडरेट की और कनेक्टिंग की भी. मॉडरेट यानी वी डोंट गो टू एक्सट्रीम्स, जैसे दीन में दुनिया को तर्क करने का जो तरीका होता है संन्यास लेने का, या अगर क्रिश्चियंस में भी अगर हम देखेंगे तो दुनिया को और शादी को ये सारी चीज़ों को तर्क करके वो दीन के लिए, वैसा भी नहीं है. या फिर दुनिया में इतने मशगूल हो जाना कि अल्लाह ताला को भूल जाना, ये भी नहीं है. वी आर मॉडरेट उम्मत. एंड सेकेंड इज कनेक्टिंग के मायने आते हैं, कनेक्टिंग यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक अल्लाह ताला का तौहीद का पैगाम पहुंचाया, अब हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हमें आगे बढ़ाना है, ताकि तुम हो जाओ गवाह ऊपर उन लोगों के, और हो जाए रसूल ऊपर तुम्हारे गवाह, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर गवाह होंगे कि हम तक मैसेज पहुंचाया, और फिर हमको आगे लोगों तक गवाह वो करना है कि हमने लोगों तक मैसेज पहुंचाया गवाह. और नहीं बनाया हमने क़िबला वो जो थे आप जिस पर, मगर ताकि हम जान ले कौन पैरवी करता है रसूल की उससे जो पलट जाता है ऊपर अपनी दोनों एड़ियों के. यानी अब ये क़िबले की जो तब्दीली हुई, तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हुई, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश थी कि कौन जो है क़िबले की तब्दीली को एक्सेप्ट करेगा.
ये बतौर आजमाइश सबके पास आई, और अगरचे है ये बात अलबत्ता भारी, मगर उन लोगों के लिए जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ताला ने। यानी जिस तरह ये क़िबले की तब्दीली की वाली बात है, जिसको हिदायत मिली उसके लिए सुन्नत फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड्स को फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इट्स नॉट ओनली अबाउट क़िबले की तब्दीली, बट इट्स अबाउट एवरी एरिया जहाँ पर सुन्नत को जो है फॉलो करने वाली बात आती है। जिसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिल जाती है उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं सुन्नत को फॉलो करना, और नहीं है अलबत्ता अल्लाह ताला जाया कर दे तुम्हारे ईमान को। यानी जो पहले क़िबले की तब्दीली से पहले जो क़ानिकाबा की तरफ नहीं बल्कि बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके जो नमाज पढ़ रहे थे वो उनकी जाया नहीं होंगी। बेशक अल्लाह ताला सात लोगों के अलबत्ता शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला सात लोगों के अलबत्ता शफ़क़त करने वाला है। शफ़क़त लरऊफ़ और रहीम जो है ना, नुकसानदेह चीज़ों से बचाने वाला। अगर आज हम देखेंगे तो अल्लाह ताला हमको कितनी नुकसानदेह चीज़ों से बचा रहे हैं। अल्लाह का कितना हम शुक्र अदा करें तो कम है। हम क्या है, हम अपने तकब्बुर में अड़े हुए हैं, हम अपने ज़िद में हैं, हम अपने अना में हैं, हम अपने झूठ में हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमको हर नुकसानदेह चीज़ों से बचाता है और रहम करने वाला है, बेनिफिशियंट है। अल्लाह ताला कितना हम पे रहम किए हुए हैं, हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारे नाफरमानियों के बावजूद। और फिर ये जो क़ुरान है, जो हम सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शफ़क़त और रहमत तो है, तो क्या किसी और की शफ़क़त और रहमत अल्लाह से बढ़कर हो सकती है हमारे लिए? हम इंसानों के पीछे भाग रहे, दुनिया के पीछे भाग रहे, वो अल्लाह ताला को भूल बैठे हैं जो शफ़क़त करने वाला है, रहम करने वाला है। पलटना है उसकी तरफ, जुड़ना है उससे जो शफ़क़त करने वाला और रहम करने वाला है। तहक़ीक़ हमने देख लिया, बार बार पलटना तेरे चेहरा आसमान की तरफ। क़िबले की तब्दीली का हुक्म आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ रुख करके या चेहरा करके देखते कि कब वही आए और कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबले की तरफ रुख करने के लिए कहा जाए, तो उस चीज़ का यहाँ पर जिक्र है। पर अलबत्ता हम ज़रूर फेर देंगे तुझको क़िबले की तरफ, तो राज़ी हो जाए उससे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़रूर थोड़े दिन में, यानी ये क़िबले की तब्दीली के हुक्म से पहले अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेशक खाने काबा को क़िबला बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर हुक्म आया बस फेर लो अपने चेहरे को तरफ मस्जिद हराम की, तो बैतुल मक़द्दस से मस्जिद हराम की तरफ क़िबला तब्दील हो गया। और जहाँ कहीं हो तुम, यानी दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, एवरीबडी हैज़ टू फेस टूवर्ड्स खाने काबा ओनली फॉर नमाज, और वो क़िबला वही है। बस फेर लो अपने चेहरों को उसकी तरफ, किसकी तरफ, मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ। बेशक वो लोग जो दिए गए किताब, यकीनन वो जानते हैं, बेशक वो हक़ यानी अहले किताब जो यहूद और नसारा थे, उनकी किताबों में था कि आखिरी नबी का क़िबला खाने काबा होगा, तो वो भी जानते थे कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन उनके रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल उससे जो वो अमल करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, देखिए, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं उससे जो वो अमल करते हैं। जो भी हम अमल करते हैं छिपे में, खुले में, दिखाकर, ज़ाहरी, वॉट एवर एवरी थिंग, अल्लाह सुबहाना ताला नोज, अल्लाह सुबहाना ताला इज़ वॉचिंग अस एवरी मोमेंट एंड अल्लाह ताला नोज अस वेरी वेल। और अलबत्ता अगर लाओ तुम उन लोगों के पास जो दिए गए किताब, हर तरह की निशानी नहीं वो पैरवी करने वाले तेरे क़िबले के, एवरी निशानी या मिरेकल उनको बता दो, वो मुसलमानों के क़िबले की पैरवी नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ज़िद की वजह से, तो ज़िद इज़ वेरी डेंजरस। तो हमको देखना है कि दीन के ऊपर अमल, दीन के तालीमात या अहकामात के ऊपर अमल नहीं करने के लिए कहीं ज़िद तो नहीं आ रही, और नहीं तुम पैरवी करने वाले उनके क़िबले के। इन्हें अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि उनके क़िबले की तुम पैरवी नहीं करोगे, यानी उनका क़िबला क्या है, जिस तरफ रुख करके वो इबादत करते हैं, जिन चीज़ों की वो इबादत करते हैं। जैसे बुत परस्तों का क़िबला बुत है, और क्रिश्चियंस का क़िबला जो है वो क्या करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। तो तुम लोग वो चीज़ों की इबादत नहीं करोगे, यानी हमको कहा जा रहा है कि तुम लोग वो चीज़ों की इबादत नहीं करोगे जिनकी वो इबादत करते हैं, और नहीं उनमें से बात पैरवी करने वाले क़िबले के बात की। यानी यहूद और नसारा वो खुद भी आपस में एक दूसरे के क़िबले की पैरवी नहीं करते, आपस में उनमें भी कोई मोहब्बत और शफ़क़त नहीं है, वो खुद भी दुश्मन है। और अलबत्ता अगर पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की, इसके बाद
जो आ गया तेरे पास इल्म में से, यानी अब हमारे पास कुरान आ गया, उसके बावजूद हम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, बेशक तू तब अलबत्त जरूर जालिमों में से होगा। ये वो लोग है दी हमने उनको किताब, वो पहचानते हैं उसको जैसा कि वो पहचानते हैं अपने बेटों को, यानी अहले किताब जिनके पास किताब आई यहूद और नसारा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटों को, यानी अपने बेटों को पहचानने में तो कोई गलती नहीं करेगा ना, तो वो इतना क्लियरली जानते थे क्योंकि उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक सिफात उनकी साइंस दी हुई थी। और बेशक एक ग्रोह उनमें से अलबत्ता वो छिपाते हैं हक को और वो जानते हैं, यह हक है तेरे रब की तरफ से, बस ना तुम होना उनमें से जो शक करने वाले, यानी कुरान हक है तो बिल्कुल शक करने वालों में से ना हो, क्योंकि अहले किताब कई चालों से क्या करते थे, मुसलमानों को कंफ्यूज करते थे, और वास्ते हर एक के एक समत है, यानी हर एक के लिए एक साइड है, एक किबला है, एक जिंदगी का मकसद है, एक पर्पस ऑफ लाइफ है, वो मुंह फेरता है उसका, पर तुम पहल करो नेकियों की तरफ। तो मुसलमान का पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए नेकी करते जाना। ये बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए फस्तबिकुल खैरात, तो मुसलमान का एम, मुसलमान का पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, बस नेकी करते जाना। जहां कहीं भी हो तुम, ले आएगा उनको, ले आएगा तुमको अल्लाह ताला सबके सबको, यानी क़यामत के दिन जहां कहीं भी हो सबको अल्लाह ताला फेर कर उसकी तरफ इकट्ठा करके खड़ा करेंगे, बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के कादिर है। ये पार्ट मुझे इतना पसंद है, जहां पर भी आता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शयइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब आप देखिए वो अल्लाह ताला जो क़यामत के दिन हम सबको, जब हम मुर्दा होंगे, जमीन में गढ़े होंगे, हड्डियां हमारी बुरा हो जाएंगी, उसके बावजूद अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं कि वो हमको दोबारा खड़े कर हशर के मैदान में अपने सामने प्रेजेंट करे। तो वो अल्लाह ताला क्या कोई चीज पर कादिर नहीं है? वो अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल हटा सकता है, हमारी हर परेशानी दूर कर सकता है, वो अल्लाह ताला हमें कभी भी हमारी गर्दन पकड़ सकता है, वो अल्लाह ताला हमें हर तरह की खुशी दे सकता है, वो अल्लाह ताला हमें हर तरह की राहत दे सकता है, वो अल्लाह ताला ने हमें ढांप लिया है, पकड़ लिया है, समेट लिया है उसकी रहमत में, और हम बिल्कुल गाफिल है अपने एरोगेंस में, अपनी दुनिया की चकाचौंध में। उस अल्लाह ताला की तरफ हम कितनी दफा गौर करते हैं, कितनी दफा उसकी रहमत को महसूस करते हैं और महसूस करके अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। जब मुश्किल आती है तो फिर उसकी तरफ क्यों नहीं पलटते हैं? क्योंकि वो तो अला कुल्लि शयइन क़दीर है, हर चीज अल्लाह ताला कर सकते हैं, हर चीज पर वो कुदरत रखते हैं। मेरे और आपके लिए बहुत सारी चीजें नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला अला कुल्लि शयइन क़दीर है। और जहां कहीं से निकलो तुम, तो फेर लो अपने चेहरों को तरफ मस्जिद हराम की, और बेशक अलबत्ता हक है तेरे रब की तरफ से, और नहीं अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। और जहां कहीं से तुम निकलो तो फेर लो अपने चेहरे तरफ मस्जिद हराम की, और जहां कहीं भी हो तुम तो फेर लो चेहरा तुम्हारा उसकी तरफ, यानी बार बार यहाँ पर मस्जिद हराम की तरफ, यानी खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म आ रहा है, ताकि ना हो लोगों के लिए हो तुम पर कोई हुज्जत। यानी अब सारे मुसलमान एक तरफ ही विद यूनिटी क़िबले की तरफ रुख करेंगे कि तो लोगों को कोई हुज्जत नहीं होगी, बातें नहीं बनाएंगे, मगर उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, यानी बातें बनाने वाले, हुज्जत करने वाले जो जालिम है वो बनाएंगे, लेकिन बेसिकली अगर तुम सब में यूनिटी होगी, सब लोग एक क़िबले की तरफ रुख करेंगे, तो लोगों के सामने कोई बात नहीं रहेगी। तो ना तुम डरो उनसे और डरो मुझसे, हमें लोगों से नहीं डरना है, क्योंकि अल्लाह ताला जब अला कुल्लि शयइन क़दीर है तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरना है। हम कितने दफा ऐसा होता है कि लोगों का डर, लोग ये क्या कहेंगे, वो क्या है कहेंगे, कभी भी लोगों से नहीं डरना है, लेकिन अल्लाह ताला से डरना है। और इसलिए कि मैं पूरा करूं अपनी नेमत तुम पर, और ताकि तुम हिदायत पा जाओ, इन्हें दीन इस्लाम की नेमत है और मुसलमानों को उम्मत मुहम्मदी बनाने की नेमत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत मोहम्मदी को बनी, जो बनी इसराइल पर तरजीह दी गई है, वो नेमत है, जैसा कि भेजा हमने तुम में एक रसूल तुम में से, वो तिलावत करता है तुम पर हमारी आयत यानी कुरान, और जो पाक करता है तुमको यानी हमारा तस्किया करता है, बुराइयों को हमसे निकालता है, और सिखाता है तुमको किताब यानी कुरान की तालीमात, और हिकमत यानी विजडम, और हिकमत के लिए सुन्नत आता है एक्चुअली, तो सुन्नत के साथ किताब के ऊपर जिस तरह इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाता है, और वो सिखाता है तुमको जो नहीं थे तुम इल्म रखते, यानी दीन इस्लाम की तालीमात और कुरान कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाते हैं। और ये बहुत प्यारी आयत है, बस याद रखो मुझको, मैं याद रखूंगा तुमको, यानी याद रखो अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला याद रखेंगे हमको, याद रखेंगे यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला भूल जाते हैं या इट स्किप्स आउट ऑफ द मेमोरी,
बट हमारा ख्याल करने वाली बात है, हमको अपनी रहमत में लेने वाली बात है। तो अगर अल्लाह ताला की रहमत हमको चाहिए तो हमें अल्लाह ताला को याद रखना है। हम अल्लाह ताला को कितना याद करते हैं, दुनिया में गुम है कि नहीं, अल्लाह ताला को कितना हम याद करते हैं। अगर डेफिनेटली अल्लाह ताला को याद करेंगे तो अल्लाह ताला हमको अपनी रहमत में ढांप लेंगे, हमारी ज़िंदगी को आसान कर देंगे, क्योंकि वो तो अल्लाह कुल्ली शेन कदीर है। और शुक्र करो मेरे लिए और नाशुक्री करो ना मेरी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। कितनी दफ़ा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, वो अल्लाह ताला जिसने ज़िंदगी दी, वो जो मालिक है, खालिक है, रब है, अला कुल्ली शेन कदीर है, हमको पैदा करने वाला, दोबारा उठाने वाला है, कितना शुक्र अदा करते हैं हम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मदद मांगो सब्र के साथ और नमाज के साथ, तो अल्लाह ताला की मदद सब्र और नमाज के साथ आएगी। बेशक अल्लाह ताला है सब्र करने वालों के साथ। ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला का साथ चाहिए तो सब्र पकड़ लेना है। और सब्र क्या है? सब्र का मतलब ये नहीं है कि जुल्म सहना, सब्र का मतलब है नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर रखते हुए चीज़ों को डील करना। और ना तुम कहो वास्ते उसके जो कत्ल कर दिए गए अल्लाह के राह में मुर्दा है, बल्कि जिंदा है, लेकिन नहीं तुम शऊर रखते। अहादीस से पता है कि जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाते हैं उनकी रूहों को अल्लाह ताला जो है सब परिंदों के अंदर जो है कुछ शांडिलियर अल्लाह ताला के अर्श के नीचे लटकते हैं, उसमें वो परिंदे रहते हैं, तो उस तरह जो है वहाँ पर उनकी रूहें जिंदा है। अलबत्त हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको साथ चंद चीज़ों के, खौफ में से, भूख में से, नुकसान में से, मालों के और नफ्सों के और फलों के, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर तरह की आजमाइश आएगी ही आएगी, लेकिन अगर सब्र करने वाले हो तो खुशखबरी ले लो। ये वो लोग हैं, कौन सब्र करने वाले? ये वो लोग हैं जब पहुंचती है उनको कोई पहुंचने वाली यानी मुसीबत, वो कहते हैं बेशक अल्लाह के लिए और बेशक हम उसकी तरफ लौटकर जाने वाले हैं। यानी अगर कोई मुसीबत आती है तो भी वो ये सोचते हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ जाना है, तो उनको कयामत के ऊपर और आखिरत के ऊपर यकीन होता है। यही वो लोग हैं, कौन सब्र करने वाले, जिन पर है रहमतें उनके रब की तरफ से, और रहमतें या नवाजिशें उनके रब की तरफ से, और रहमत यानी जन्नत को भी अल्लाह ताला ने अंति रहमती कहा है। और यही लोग हैं वो जो हिदायत पाने वाले हैं, यानी बेसिकली सब्र करने वाले हिदायत पाने वाले हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सफ़ा और मरवा के ऊपर बुत रखे हुए थे, तो उम्रे में वो हिस्सा है या नहीं है उम्रे का, उसके बीच में चक्कर लगाना सहाबा कराम को डाउट था। तो यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, पर जो कोई इरादा करे हज का या उम्रे का तो नहीं कोई गुना उस पर कि वो तवाफ करे इन दोनों का, यानी हज और उम्रे में, सफ़ा और मरवा के बीच में चक्कर लगाना हज और उम्रे का हिस्सा है। और जो कोई खुशी से करे कोई भी नहीं की, तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, जानने वाला है। यानी कितना ब्यूटीफुल है, देखिए कि हज और उम्रे के कुछ ऑब्लिगेशंस है, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई करे तो अल्लाह ताला हर तरह तरीके की नेकी को और भलाई को जानने वाला है। यानी वहां पर जाकर हम सदका करें, खैरात करें, नफली नमाजें पढ़े, एक्स्ट्रा तवाफ करें, जो भी काम करे, और नॉट ओनली उम्रा और हज पे, लेकिन कभी भी हर टाइम पे जो भी यानी ऑब्लिगेशन की तो पूछेगी, लेकिन अदर देन ऑब्लिगेशन कोई भी हम नेकी करते हैं तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, जानने वाला है। बेशक वो लोग वो छिपाते हैं जो नाजिल की हमने रोशन निशानियों में से और हिदायत में से, बाद उसके जो बयान कर दिया हमने लोगों के लिए किताब में से, ना अहले किताब जो उनकी किताबों में आप सल्लम का आना और कुरान का हक होना है वो छिपाते हैं, उसकी तरफ इशारा है। ये वो लोग हैं, लानत है उन पर अल्लाह ताला की, और लानत करते हैं लानत करने वाले यानी तमाम फरिश्ते और अल्लाह ताला के साथ जो भी वो है, बेसिकली फरिश्ते हैं, तो वो भी लानत करते हैं, सिवाय लोगों के जिन्होंने तौबा की, यानी गलती करने के बाद तौबा की, और जिन्होंने इसलाह की, और जिन्होंने बयान कर दिया। तो यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं गलती करने के बाद जो तौबा करते हैं और अपनी गलती को दुरुस्त कर लेते हैं, इसलाह करते हैं, तो और जिन्होंने बयान किया, यानी जो छिपाया था वो बयान कर दिया, तो यही लोग मैं मेहरबान होगा उन पर, कौन? अल्लाह ताला। तो तौबा करने वालों के ऊपर अल्लाह ताला मेहरबान है। कितनी रहमत है, देखिए अल्लाह ताला की कितनी है, कितनी है कि अल्लाह ताला तौबा करके इसलाह करने वालों के लिए क्या करते हैं, उनकी तौबा कबूल करते हैं, उन पर मेहरबान होते हैं। और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, बार बार रहम करने वाला, ये भी देखिए अल्लाह ताला की रहमत। अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम उससे गाफिल हैं, हम उसकी तरफ नहीं पलटते। अल्लाह ताला तो बहुत तौबा कबूल करना, जितने चाहे गुनाह करें हम, लेकिन फिर पलटे, तौबा करें, और तौबा के लेकिन कंडीशन से,
एक्सेप्ट करना कि मेरी गलती हुई, एक्नॉलेज करना कि मुझसे गलती हुई, गलती छोड़ देना और आगे वो गलती रिपीट नहीं करना, तो तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं और बार बार रहम करने वाला बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और वो मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे, यानी जिसकी मौत कुफ्र पे हो गई, यही वो लोग, उन पर लानत है अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और इंसानों की सबके सब की, यानी कुफ्र पे जो मर गया उसके ऊपर लानत है, हमेशा रहने वाले हैं इसमें, यानी किसमें, लानत में, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना वो मोहलत दिए जाएंगे, और इलाह तुम्हारा इलाह एक ही है, नहीं है कोई इलाह मगर वही, कौन, अल्लाह ताला जो निहायत मेहरबान, जो बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, और वो कौन है, बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। बेशक पैदाइश में आसमानों की और जमीन की और इख्तलाफ में रात और दिन की, जिस लुक एट अल्लाह की कुदरत, आसमान और जमीन की पैदाइश, क्या आसमान है क्या जमीन है, और इख्तलाफ रात और दिन का आना बदलना, अंधेरे से रोशनी, रोशनी से अंधेरा, और कश्तियों को जो चलती है समंदर में, इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां जो समंदर में चलती है वो नफा देती है लोगों को, यानी अब आप देखिए बड़े बड़े समंदर की कश्तियों से क्या होता है, लोग सामान लेकर आते हैं, बिजनेस होता है, लोगों की जरूरत का सामान आता है, और जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने आसमान से पानी और फिर उसने जिंदा किया उसको, तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमारे फायदे के लिए कितनी चीजें बता रहे हैं। देखिए, और जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने आसमान से पानी, दिन और रात कौन लाता है, अल्लाह ताला, कश्तियों को कौन चलाता है, अल्लाह ताला, आसमान और जमीन को कौन पैदा किए हैं, अल्लाह ताला, बारिश कौन लाता है आसमान से, अल्लाह ताला, फिर बारिश के जरिए फिर वो जिंदा करता है जमीन को उसकी मौत के बाद, यानी बंजर जमीन से खेती, हरियाली, नबातात सब निकालता है, और उसने फैलाया, उसने हर तरह के जानवर, फिर इस तरह लाइफ डाल दी जमीन में और गर्दिश में हवाओं की, यानी किस तरह हवाएं इधर से उधर, उधर से इधर फिरते हैं, और बादल में जो मुसक्कर किए गए दरमियान आसमान के और जमीन के, मुसक्कर यानी खिदमत में लगे हुए हैं, तो ये सब कौन है, किसने किया, अलबत्ता निशानियां वास्ते कौम के जो अकल रखते हैं। अगर हमारे पास अकल है तो इन चीजों पे गौर करना है, अल्लाह ताला की कितनी कुदरत है, और ये सब अल्लाह ताला किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ना, टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, एंड हम जब जिंदा होंगे तो हमें किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह की इबादत के लिए, और लोगों में से बाज जो बना लेते हैं अल्लाह के सिवाय शरीक, वो मोहब्बत रखते हैं उनसे, किससे, जिनकी इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं उनसे, ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे कि मोहब्बत करना है अल्लाह ताला से, और वो लोग जो ईमान लाते हैं ज्यादा शदीद है मोहब्बत करने में अल्लाह ताला से, तो हम कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत अगर आपकी और मेरी अल्लाह ताला से दुनिया की हर चीज से ज्यादा है, हर इंसान से, हर शख्स से, हर जो कुछ भी है सबसे ज्यादा है, तो देन हम ईमान वाले कहला सकते हैं। आपकी और मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा होना चाहिए, अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अशद्दु ज्यादा शदीद, सुपरलेटिव डिग्री में ईमान वालों की मोहब्बत अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, अल्लाह की मोहब्बत में बेटे को भी जुबा करने के लिए चल पड़े। लेट्स लुक एट कि हमारी मोहब्बत का लेवल कहाँ है, ऑन द स्केल ऑफ 1 on 10 कितना हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। लव इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की जरूरत है, और साइंटिफिक स्टडीज भी ये शो करती है कि लव एंड बीइंग लव्ड कॉजेस अ बॉडी टू रिलीज फील गुड हार्मोन्स, लेवल्स ऑफ डोपामाइन एंड एड्रेनालिन बढ़ जाते हैं व्हेन लव इज प्रेजेंट इन आवर लाइफ, एंड दिस कॉजेस मैजिक इन आवर लाइफ। इंसान की मोहब्बत बढ़ती है, कम होती है, चेंज होती है, लेकिन सबसे बेस्ट मोहब्बत होती है अल्लाह ताला की मोहब्बत हमसे, और हमारी मोहब्बत अल्लाह ताला से। अल्लाह से शदीद मोहब्बत के कुछ तरीके होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उनकी अहमियत मैं आपको बताऊंगी, एंड उम्मीद करती हूँ कि सबके दिलों को उस मोहब्बत के नूर से मैं भर सकूँ, क्योंकि हर दिल में आप लोग देखते हैं कि कुछ खालीपन का एहसास होता है, बहुत कोशिशों के बावजूद यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग कि समथिंग इज मिसिंग इन आवर हार्ट, दिस इज बिकॉज हमारी नॉलेज के ढेरों ढेर तो हैं, बट वॉट इज मिसिंग इज एहसास उस मोहब्बत का जो अल्लाह ताला हमसे करते हैं, पर हमारे दिल खाली है उसकी मोहब्बत से। तो लेट्स गो बैक टू आवर फितरत कि अल्लाह ताला ने जो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत रखी है, उसका कुर्ब रखा है, उसका ताल्लुक रखा है, तो लेट्स गो बैक टू दैट एंड लेट्स बिल्ड अ कनेक्शन विद अल्लाह सुबहाना ताला। जब ये मोहब्बत हमको मिल जाती है तो ईमान की रोशनी से हमारे दिल रोशन हो जाते हैं, और
कई रियालिटीज हमारे सामने खुलने लगते हैं. मे अल्लाह मेक इट ईजी फॉर अस, आमीन. और काश अगर देख ले वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, वो देखेंगे अजाब को. बेशक सारी कुव्वत अल्लाह के लिए है, सारी की सारी कुव्वत अल्लाह के लिए है. और वो अल्लाह ताला जो सारी कुव्वत रखने वाला है, वो हमारे साथ रहम का मामला करता है, शफ़क़त का मामला करता है, और हम उसके साथ क्या मामला करते हैं. और बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, डेफिनेटली अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला भी है. और ये किसके लिए है? मुशरिकों के लिए, जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं. इतना रहम करने के बाद, इतनी शफ़क़त करने के बाद, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद, अगर अल्लाह ताला के साथ हम दूसरों को शरीक ठहराते हैं, तो क्या अल्लाह ताला सख्त अजाब नहीं देंगे? जब बेजार होंगे वो लोग जो पैरवी किए गए उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की, यानी दुनिया में जिनको फॉलो कर कर शिर्क में पड़े, क़यामत के दिन वो लोग बेजार होंगे, कहेंगे वी हैव नथिंग टू डू विथ यू, और वो देख लेंगे अजाब को और कट जाएंगे उनसे तमाम अजबाब, यानी सब सोर्सेज जिसके ऊपर डिपेंड करते थे अल्लाह को छोड़कर, वो सारे सोर्सेज कट ऑफ हो जाएंगे. और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की, बेशक हमारे लिए होता एक बार पलटना तो हम बेजार हो जाते उनसे जैसा कि वो बेजार हुए हमसे. अब जो जिन लोगों ने फॉलो किया सोर्सेज को, वो कहेंगे कि काश एक बार हम दुनिया में पलटे तो हम भी आज ऐसे ही जो है अपना मामला कट ऑफ कर लेंगे दुनिया में, जैसे ये लोग आज कर रहे हैं. इसी तरह दिखाएंगा उनको अल्लाह ताला उनके आमाल हसरतें बनाकर, हसरतें यानी काश करके जो है जो बात आती है, तो उनके आमाल जो है ना उनकी एक मायूसी का सबब हो जाएगी उन पर, और नहीं वो निकलने वाले आग से. ए लोगों, खाओ उसमें से जो जमीन में हलाल और पाकीज़ा, और ना तुम पैरवी करो खदमों की शैतान की, बेशक वो खुला दुश्मन है, खुल्लम खुल्ला बेशक वो हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाई का. तो जहां से भी कोई चीज, कोई बात, कोई हुक्म बेहयाई का और बुराई का आता है, तो फिर वो किसका है? वो शैतान की तरफ से. और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं तुम जानते, यानी अल्लाह ताला के बारे में जो हम नहीं जानते, वो हमारे लिए कहना जायज नहीं है. जैसा अल्लाह के बेटे है, या अल्लाह ने फुला फुला वादा किया है, समथिंग विच इज नॉट देयर इन कुरान, समथिंग विच इज नॉट दलील की अल्लाह की तरफ से बात है, वो कहना हमारे लिए गुनाह है. और जब कहा जाता है उनके लिए तुम पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं बल्कि हम पैरवी करेंगे उसकी जो पाया हमने उस पे हमारे आबाओ अजदाद को, क्या भला अगरचे वो उनके आबाओ अजदाद नाकल रखते किसी चीज की, और ना वो हिदायत याफ्ता है. यानी जब लोगों को कुरान की तरफ, अल्लाह की बात की तरफ बुलाया जाता है, तो फिर वो कहते हैं हम तो अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे. तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इवन अगर तुम्हारे बाप दादा अकल नहीं रखते, वो हिदायत याफ्ता नहीं है, स्टिल डू यू वांट टू फॉलो देम. और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, मानिंद उस शख्स की है जो पुकारता है उसको नहीं सुनता, मगर पुकार और आवाज बहरे है, गूंगे है, अंधे है, बस नहीं वो अकल रखते. यानी यहाँ पर जो हिदायत की तरफ बुलाने के बावजूद नहीं पलटता है, उसकी मिसाल एक जानवर की तरह दी जा रही है. जैसे जानवर आवाज तो सुनता है लेकिन उसको मैसेज नहीं पहुंचता, उसी तरह जो है वो लोग है. ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, खाओ पाकीज़ा चीजों में से जो रिज़्क़ दी हमने उनको, और शुक्र अदा करो अल्लाह के लिए अगर हो तुम सिर्फ उसकी तुम इबादत करते. तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला क्या होता है? अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है. बेशक उसने हराम किया तुम पर मुर्दार को और खून को, यानी मुर्दा जानवर जो खुद से मर जाए, जुबा नहीं हो, वो जो है हराम है. और खून जो है बहता हुआ खून, वो हमारे लिए हराम है. और गोश्त खंजीर का, वो भी हमारे लिए हराम है. और जो कोई पुकारा गया साथ उसके वास्ते गैर अल्लाह के, यानी जिस जानवर को जुबा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं बल्कि गैर अल्लाह का नाम लिया जाए, वो भी हमारे लिए हराम है. तो जो कोई मजबूर किया गया, ना रगबत करने वाला है, यानी अगर कोई किसी को फोर्सफुली खिला दिया, वो पसंद नहीं करता और ना हद से बढ़ने वाला है, तो नहीं कोई गुनाह उस पर. बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है. बेशक वो लोग जो छिपाते हैं उसको जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने किताब में से, और लेते हैं उसके बदले कीमत थोड़ी सी, यही लोग नहीं वो खाते अपने पेटों में मगर आग. और नहीं कलाम करेगा अल्लाह ताला कयामत के दिन, और ना वो पाक करेगा उनको, और ना उनके लिए, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक. ये अहले किताब का है, जो उनकी किताबों में जो बातें होती थी छिपाते थे और उसको तहरीफ करते थे और उसको जो है चेंज करते थे, यही वो लोग जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को बदले हिदायत के और अजाब के बदले मगफरत के. तो किस चीज ने साबिर बना दिया उनको आग पर? किस चीज ने साबिर बना दिया उनको आग पर? यानी हाउ कैन दे डू सच एक्शंस व्हिच विल टेक देम टू आग? ये बवजह उसके के बेशक अल्लाह ताला नाजिल किया किताब को साथ हक के, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया किताब में, अलबत्ता बदबख्ती में या मुखालफत में है, दूर की. यानी जो लोग किताब में इख्तलाफ करते हैं तो वो लोग जो है बदबख्ती में है, बहुत दूर की नहीं है. नेकी
کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو طرف مشرق اور مغرب کے. یعنی اب کیا ہو گیا, قبلے کی تبدیلی کے بعد یہ بحثیں چھڑ گئی کہ نیکی کیا چیز ہے, بیت المقدس کی طرف کرنا ہے یا خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی وہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو, لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر, اور اس نے دیا مال اوپر محبت کے, یعنی مال سے محبت رکھنے کے باوجود جو ہے کس کو دے؟ رشتہ داروں کو دے, یتیموں کو دے, مسکینوں کو دے, اور مسافروں کو, اور سوال کرنے والے یعنی مانگنے والوں کو, اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں, اور وہ قائم کرے نماز, اور وہ دے زکات, اور وہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہدوں کو یعنی اپنے وعدوں کو, اور جب وہ عہد کرے, اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور وقت جنگ کے, یہی لوگ وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا, اور یہی لوگ وہ ہے جو متقی ہے. یعنی متقی لوگوں کے یہاں پہ صفات بتائے جا رہے ہیں. کیا ہے کہ نیکی جو ہے, ہم آج بھی اگر ہم دیکھیں گے چھوٹی سی یہ چیز میں نیکی ہے, وہ چیز میں نیکی ہے, یہ ریچول میں نیکی ہے, ایسا کر لیں, نو. واٹ از نیکی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی بتا رہے ہیں نیکی کیا ہے, جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, قیامت کے اوپر ایمان لائے, کتابوں کے اوپر یعنی قرآن کے اوپر, اور اس کے علاوہ پہ جو تین کتابوں کا ذکر ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی لیکن فالو قرآن کو کرنا ہے, نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ تمام انبیاء اکرام اللہ کی طرف سے آئے لیکن فائنل نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی شریعت کو فالو کرنا ہے. پھر مال سے محبت ہم کو ہونے کے باوجود رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے, یتیموں پر خرچ کرنا ہے, مسکینوں پر خرچ کرنا ہے, مسافروں پر خرچ کرنا ہے, جو ہم سے مانگے ان پر خرچ کرنا ہے, غلاموں کو آزاد کرنا ہے, نماز قائم کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ہے, وعدوں کو پورا کرنا ہے, اور صبر کرنا ہے تنگ دستی میں, تکلیف میں. تو یہی لوگ ان کے ایمان میں سچے, اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی ہے. واقر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. یا عاشق المصطفیٰ ابشر بنیل المنا, يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى, قد راقك الصفا صفا الصفا.